हेलो एवरी वन वेलकम टू श्री रामजा दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़ आई होप एवरीबडी इज डूइंग गुड आज के सेशन में विल कवर दीज आर्टिकल जल्दी से बताती हूँ क्या क्या है इंडिया पाकिस्तान एंड मॉडिफाइंग द इंडस वाटर ट्रीटीज़ के बारे में बात करेंगे ये आपके पेपर टू के लिए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है मीन्स के परस्पेक्टिव से है आप आज इस हिंदू के अपने न्यूज़पेपर में से देख सकते हो क्लाइमेट फाइनेंस गोल ये भी आपका जो आर्टिकल है हिंदू के अंदर एक एडिटोरियल आपको देखने को मिलेगा सो विल डिस्कस दैट लेकिन इस एडिटोरियल के साथ एक दो एडिटोरियल विल मर्ज मैं आपको दिखाऊंगी पिक्चर तो आपको समझ आ जाएगा क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं वन वे और दी अदर तो इसलिए उसको साथ में ही कवर कर लेंगे ठीक है तो इस हिसाब से आपके दोनों ही तीन आर्टिकल्स कवर हो जाते हैं यहाँ पी एम विद्यालक्ष्मी स्कीम क्या है पेपर टू रंथम बो टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव एंड महासागर इनिशिएटिव अगेन प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है सो दिस विल बी आर टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टूडे ठीक है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और क्लैरिटी तो आई जाती है क्या करना है अटेंडेंस मार्क कैसे करनी है थम्सअप देना है लाइक बटन पे क्लिक करना है और आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी कमेंट सेक्शन आपके पास है यू कैन शेयर योर फीडबैक्स प्लीज डू रेफर दीज सेशंस टू योर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो दोजू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्योंकि करंट अफेयर्स हर एक एग्जाम के लिए रेलिवेंट है राइट सो प्लीज डू शेयर एंड यू कैन ट्रस्ट द प्लेटफॉर्म दैट वी आर ऑन हेयर वी आर प्रोवाइडिंग दिस कॉन्टेंट बिकॉज श्री राम इज सर्विंग द नेशन सिंस नाइनटीन तो इतना लंबा रास्ता जो अगर तय होता है तो सिर्फ और सिर्फ विश्वास होता है जब कंटेंट अच्छा होता है जब रिजल्ट्स आते हैं तभी होता है ठीक है तो रेफर कर सकते हो शेयर कर सकते हो चैनल सब्सक्राइब कर देना सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सेशन ऑल्सो इधर उधर की बातें किए ना अब आते हैं हमारे आर्टिकल्स पे जिसमें हम पहले बात करेंगे ये दो आर्टिकल्स हैं जो मैं आपको बता रही थी विल मर्ज देम टुगेदर ऑल आइज ऑन बाकू एंड द क्लाइमेट फाइनेंस गोल्स और डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड टर्म के आने से क्या क्लाइमेट एक्शन प्लान पे स्ट्रेस पड़ेगा ये दोनों बातें एक ही अ, मतलब यू कैन से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है तो आपको जो लगता है कि मुझे यहाँ पर ये नोट बनाना है ये पॉइंट लिखना है प्लीज डू राइट मैं आपको ओवरऑल एक डिस्कशन होती है ना वो कर रही हूँ ये अपने हाथ चलाने हैं और इसको जो जो आपको लगता है कि हाँ ये ये पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है साथ साथ अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलो ठीक है अब सी ओ पी ट्वेंटी नाइन सभी सारी आंखें बस इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी पे हैं सी ओ पी ट्वेंटी नाइन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस रहेगी जो कि अजरबैजान के अंदर होगी 11 नवंबर से 22 नवंबर अभी होने वाले दो तीन दिन के अंदर इसको इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ को फाइनेंस सीओपी की तरह देखा जा रहा है यहां पर एन सी क्यू जी न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल इट विल बी द डिटर्मिनेंट इट विट इज सेट टू बी फाइनलाइज बाई दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी फाइनेंस सीओपी मतलब क्लाइमेट फाइनेंस जो पैसा आता है टू हेल्प द कंट्रीज डील विद द क्लाइमेट चेंज उस पर डिस्कशंस होने वाली हैं कि वी नीड टू प्रायोरिटाइज़ द नीड्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज और उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा और ये जो आइडिया था इट वॉज आउटलाइन इन आर्टिकल नाइन लेट मी क्लियर इट आर्टिकल नाइन आर्टिकल नाइन ऑफ पैरिस एग्रीमेंट क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो क्लाइमेट इंपैक्ट को लेके दे मोर वनरेबल और उनके पास फ्यूअर रिसोर्सेज हैं टू टैकल देम। सो दिस एन सी क्यू जी दिस गोल इट एम्स टू सेट न्यू फाइनेंशियल गोल्स टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग वंस द करंट वंस विद मतलब क्योंकि यहां पर देखो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दे आर हैविंग डिफरेंट व्यूज ऑन हाउ दिस शुड बी लुक्ड डेवलपिंग कंट्रीज का क्या व्यू पॉइंट है डेवलपिंग कंट्रीज का क्या व्यू पॉइंट है वो कहते हैं फाइनेंशियल टारगेट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए प्रिडिक्टेबल होने चाहिए वो कहते हैं कि पुरानी गलतियां जो ये कर चुके हैं डेवलप्ड कंट्रीज दे आर हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट कार्बन एमिशंस एंड अगर वो ज्यादा जिम्मेदार हैं तो उन्हें बियर करना चाहिए प्राइमरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कहते हैं पब्लिक फाइनेंसिंग वो मतलब डेवलपिंग कंट्रीज की पब्लिक फाइनेंसिंग जो हो वो मेनली थ्रू ग्रांड्स हो थ्रू कंसेशनल लोन्स हो राइट right? और एक होता है एडॉप्टेशन और एक होता है मिटिगेशन हम बात कर चुके हैं इसमें अडोप्टेशन मतलब दैट हेल्पिंग कंट्रीज नाउ कि अब आधा नुकसान तो हो चुका है क्लाइमेट राइज जो टेम्परेचर राइज हो चुका है एक हद तक तो नो यर हेल्पिंग कंट्रीज टू प्रिपेयर फॉर दैट क्लाइमेट इम्पैक्ट यू अडोप्ट टू इट एंड मिटिगेशन मीन्स यूर रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशन सो दे वॉन्ट बैलेंस बिटवीन द फंड फॉर बोथ ठीक है अब जिससे पैसा लेना है क्या वो इतनी आसानी से पैसा दे देते हैं वो क्या कहेंगे उनका व्यू पॉइंट बिल्कुल अलग होगा वो कहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज कहती हैं दैट वी वांट मोर कंट्रीज टू कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट फाइनेंस नॉट जस्ट की जो ट्रेडिशनली वेल्दी नेशंस थे सिर्फ वही करे वो कहते हैं कि लेट्स एक्सप्लोर फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लेट्स एक्सप्लोर इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस फ्लेक्सीबल एंड इनोवेटिव फाइनेंशियल सोल्यूशंस लेकर आते हैं ना दैट लाइक इन्वॉल्व प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट राइट अलॉन्ग साइड द पब्लिक फंड वो सॉरी रिजल्ट फोकस्ड अप्रोच पे फोकस करते हैं रिजल्ट फोकस्ड अप्रोच जहां पर लेट्स एम्फिस क्लाइमेट रेजिलियंस एंड रिड्यूस एडमिशंस क्या हुआ था ना दो हजार नौ में हंड्रेड बिलियन डॉलर का मतलब दिस वाज़ अ टारगेट दैट वाज़ सेट पर ईयर प्लेज थी यहां पर डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करनी थी इतना अमाउंट के साथ लेकिन ये टारगेट इट वाज़ सपोज टू बी मेड बाय ट्वेंटी ट्वेंटी दो हजार बीस में पूरा होना चाहिए था बट ये दो हजार बाईस में हुआ अब यहां पर डेवलपिंग कंट्रीज का तो ऑब्वियसली फीलिंग लेट डाउन और डिस्ट्रस्ट हो गया इवन नाउ दिस हंड्रेड बिलियन डॉलर इज मतलब आप लगा लीजिए इट इज टू लो टू कवर दीड्स ट्रिलियंस आर नेरी वैसे तो टू इफेक्टिवली एड्रेस द क्लाइमेट चेंज तो करंट जब क्लाइमेट फाइनेंस की हम बात करते हैं ना तो अभी जो करंट दिक्कतें आ रही हैं क्लाइमेट फाइनेंस को लेके जो करंट चैलेंजेस हैं वो हैं तीन क्या है एक है जो एडेप्टन की बात होती है ना उसमें अंडर फंडिंग ठीक है फंडिंग ज्यादा फोकस होती है ऑन मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स लाइक क्लीन एनर्जी एडोप्टन प्रोजेक्ट्स पे नहीं होती मतलब जैसे कि वी नीड टू स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर होती है बट कंपैरेटिवली कम होती है और देर इज ओवर रिलायंस ऑन लोन्स ग्रांट्स की जगह लोन आ रहे हैं उससे तो पुरर कंट्रीज और ज्यादा डेट में जा रही हैं राइट एंड थर्ड इज देर इज डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग द फंड राइट ड्यू टू कॉम्प्लीकेटेड प्रोसेस तो सीओपी ट्वेंटी नाइन जो ये होने वाली है इट विल बी सक्सेसफुल इन सेटिंग दिस

डेवलपिंग कंट्रीज का कंसर्न क्लियर है कि अकाउंटेबिलिटी डायल्यूशन होना डेवलपिंग कंट्रीज ये टेंशन लेती हैं कि अगर मोर कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट तो जो हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट विल बी डायल्यूटेड अकाउंटेबिलिटी वीक हो जाएगी फिर उसके बाद जो सीओपी ट्वेंटी नाइन जैसी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं विल बी डीले इन दी अर्जेंट डिस्कशन ऑल्सो अगर मैं कॉन्ट्रीब्यूटर बेस को एक्सपैंड करती हूं मतलब कॉन्ट्रीब्यूटर बेस आप ऐसे लगा लीजिए कि विच कंट्री शुड कॉन्ट्रीब्यूट द फंड क्योंकि कैनेडा और स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री सजेस्ट करती हैं कि हाईअमिशन कंट्रीज वेल्थियर कंट्रीज चाइना है ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है सऊदी अरेबिया है यूए है कतर है दे शुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट फाइनेंस रेजा दैन की अच्छा ये ट्रेडिशनली डोनर कंट्रीज है वो नहीं वो कहते हैं कि अब ऐसे मेट्रोसिस लो कि किस कंट्री की जी डी पी पर कैपिटा कैसी है वो भी डिसाइड करेगी कि, कि कौन कितना पे करे तो डेवलपिंग कंट्रीज को यही तो टेंशन है वो कहते हैं जिन्होंने पहले ज्यादा नुकसान किया है वो उन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी समझ आ गई बात अब यहां पर ये जो दूसरा आर्टिकल है जो डोनाल्ड ट्रम्प की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प का हमेशा मतलब अगर आप देखो ना उन्होंने अपने पहले ट्रम में पहले तो पेरिस एग्रीमेंट से विदड्रॉ किया उन्होंने डब्ल्यू में ही रिफ्यूज टू फंड राइट He questioned scientific research also weakened U.S. agencies' abilities to regulate. हम जब 2030 की बात कर रहे हैं ना आने वाले टाइम में हमारे काफी डेडलाइंस आ रहे हैं बहुत से इंपॉर्टेंट गोल्स की डेडलाइंस आ रही हैं जैसे कार्बन एमिशन कम करना बायोडाइवर्सिटी को लेके भी फ्यूचर पैंडमिक्स प्रिपेयर दीज आर ऑल द गोल्स दैट इंक्लूडेड दैट ये जो 2025 2030 वाला जो टाइम फ्रेम है ना ये बहुत क्रिटिकल है फॉर अचीविंग दीज गोल्स क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम नाउ क्योंकि यूएस कंसर्न एक है और सिर्फ यूएस कंसर्न नहीं है क्योंकि यूएस जो है ना इट इज बिकमिंग मोर ट्रांजेक्शनल मतलब वो यूएस शॉर्ट टर्म गेन्स पे ज्यादा फोकस कर रहा करता है मैं डोनाल्ड ट्रंप के टाइम की बात कर रही हूं ठीक है आर गेटिंग माई पॉइंट बट नाउ यस सिचुएशन इज चेंजिंग एंड इट इज चैलेंजिंग एज वेल ट्रम्प की रिटर्न हुई है लेट सी वॉट हैपन्स टू कीप द वर्ल्ड मूविंग टूव इट्स क्लाइमेट एंड पब्लिक हेल्थ गोल्स लेट सी देर सपोर्ट फॉर साइंस फॉर रिसर्च फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज अगर यूएस कट डाउन करता है ना अपनी फंडिंग फॉर क्लाइमेट एडॉप्टेशन तो बाकी कंट्रीज दे माइट हैव टू डाइवर्ट द रिसोर्सेस तो क्लाइमेट एफर्ट्स वीक हो सकते हैं सो so, ये पूरा आर्टिकल था ठीक है जी क्लियर हो गया चलिए लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल अगला जो आर्टिकल है वो बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी और इंडिया पाकिस्तान को लेकर है उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहां पर आपने एक आर्टिकल कवर नहीं किया यहां आपने दो आर्टिकल्स कवर कर लिए राइट पॉलिटिक सेशन अवेलेबल है ऑन द प्लेटफॉर्म यू कैन रेफर देम देर आर अदर नंबर ऑफ सीरीज आर गोइंग ऑन यू कैन रेफर देम फॉर योर प्रिपरेशन नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया पाकिस्तान एंड मॉडिफाइंग द इंडस वाटर ट्रिटी इंडिया पाकिस्तान के बीच में काफी लंबे समय से वॉटर प्रोजेक्ट को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है और दोनों देशों के अपने अपने अलग अलग व्यूज हैं दो हजार चौबीस इंडिया ने कहा पाकिस्तान को कि लेट्स रिव्यू एंड लेट्स इफ पॉसिबली चेंज द इंडस वाटर ट्रीटी जो हमने 1960 में साइन करी थी टू शेयर द वाटर्स ऑफ इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज क्यों क्योंकि उस टाइम की डिमांड सिचुएशन अलग थी अब की सिचुएशन अलग है देर इज ग्रोइंग वाटर डिमांड आर फेसिंग देर सेवरल चैलेंजेस क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बहुत बड़ी है देर आर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल नीड्स देर इज अ नीड फॉर मोर क्लीन एनर्जी ताकि हमें मिशन कम करें और एक और ऑन गोइंग कंसर्न जो है वो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर दिस इज अफेक्टिंग ऑल्सो अफेक्टिंग की हाउ इफेक्टिवली वीर यू वी कैन यूज द वॉटर रिसोर्सेज इंडस वाटर ट्रिटी जो है ना अकॉर्डिंग टू आर्टिकल सॉरी ट्वेल्व ऑफ द इंडस वाटर ट्रिटी अगर किसी भी मतलब इफ यू वॉन्ट टू चेंज एनी इफ यू वॉन्ट टू ब्रिंग एनी चेंज टू द ट्रिटी तो दोनों देशों को दे हैव टू अग्री टू दैट न्यू ट्रिटी बट यहाँ दिक्कत आ जाती है ना क्योंकि दो कंट्रीज के डिसएग्रीमेंट्स रहते हैं ऑन द वाटर यूज दोनों का अपना अपना परस्पेक्टिव है इंडिया एक अपर राइपेरियन कंट्री है ऊपर है हम यहाँ से नदियां ओरिजिनेट होती हैं इंडिया फोकसेज ऑन यूजिंग दिस वाटर फुली फॉर थिंग्स लाइक क्लीन फॉर एग्रीकल्चर फॉर एनर्जी प्रोडक्शन डोमेस्टिक नीड्स और पाकिस्तान एक लोअर राइपेरियन कंट्री है क्योंकि रिवर फ्लो करती है इंडिया से पाकिस्तान तो पाकिस्तान कहता है कि हमें अनइंटरप्टेड वाटर फ्लो चाहिए टू मीट आर नीड्स यहां डिफरेंस आ जाता है जब इंडिया ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किया था बनाना ऑन किशन गंगा रिवर तो पाकिस्तान ने कंसर्न उठाए लेकिन इंडिया ये बात परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर 2013 की बात है कि वहां आया कि इंडिया कंटिन्यू कर सकता है अपना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एज लॉन्ग एज इट मेंटेन्स अ मिनिमम वाटर फ्लो दैट इज ऑफ नाइन क्यूबिक मीटर्स पर सेकेंड ताकि मेजर जो डाउनस्ट्रीम जो अप लोअर आईपीरियन कंट्री है उसे भी कोई मेजर हार्म नहीं हो तो इंडिया इज अब देखो तीन रिवर्स देखो इंडस चेनाब और झेलम ये रिवर्स वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान को मिली है लेकिन इंडिया इज अलाउड टू यूज अ वाटर एज लॉन्ग एज वो अपने फ्लो रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है समझ जाए और बाकी तीन नदियां ब्यास रवि और सतलुज वो इंडिया को दी गई इंडस वॉटर को लेके देर आर चैलेंजेस इन मैनेजिंग दिस क्यू लेट मी टेल यू दिस पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब के सीनाओ के हिसाब से जो आपने वाटर राइट्स डिवाइड करे थे कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत की ये रवि सतलुज ब्यास ईस्टर्न रिवर्स इंडिया की और ये पाकिस्तान की आईसीजे वाली ये डिवीजन उस टाइम के सर्कमस्टांसिस के हिसाब थी Are my point? दूसरा पॉइंट है देर इज लैक ऑफ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट दोनों देशों के बीच में इट टू मिनिमल कॉपरेशन द स्प्लिटिंग द रिवर्स एक इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है टू मैनेज द वॉटर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि रिवर्स एंड द ट्रिब्यूटरीज दे आर कनेक्टेड और अगर कोई भी चेंज एक पार्ट में होता है सिस्टम के तो इट विल अफेक्ट डेफिनेटली द होल बेसिस तीसरा एनवायरमेंटल इंपैक्ट मान लो अगर कोई देश प्लान कर रहा है अप्रोजेक्ट दैट कुड इंपैक्ट द अदर साइड देर आर एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट एन एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट टू अंडरस्टैंड एनी पोटेंशियल हार्म एंड ट्राई टू प्रीवेंट इट ऑल दो दिस ट्रीटी डज नॉट इंक्लूड अ फॉर्मल रूल टू प्रिवेंट दैट देर आर इंटरनेशनल लॉन्स दट रिक्वायर बोथ कंट्रीज टू अवॉयडिंग हार्म टू इच अदर जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो तभी तो किशन गंगा वाले आर्बिट्रेशन कोर्ट ने इंटरनेशनल वाले ने बोला कि हाँ एज लॉन्ग एज यू आर मीटिंग द रिक्वायरमेंट दैट इज ओके वे क्लाइमेट चेंज व पानी की अवेलेबिलिटी को भी अफेक्ट करता है स्पेशली विथ ग्लेशियर मेल्टिंग इट इज रिड्यूसिंग द फ्लो इन द इंडस बाय थर्टी टू फोर्टी परसेंट दोनों कंट्रीज फॉलो कर सकती हैं ई आर यू प्रिंसिपल ये ई आर यू प्रिंसिपल क्या है इक्विटेबल रीजनेबल यूटिलाइजेशन प्रिंसिपल जो कहती है यू शेयर वॉटर्स फेयरली बेस्ड ऑन योर चेंजिंग नीड्स बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल कंडीशंस तो क्या सॉल्यूशन आ सकता है अगर दोनों कंट्रीज अग्री करें एज अ पार्ट ऑफ द आर्टिकल सेवन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, इट अलाउज फॉर ज्वाइंट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स वर्किंग टुगेदर ऑन शेयर्ड प्रोजेक्ट्स पूरी ट्रीटी पे रीनेगोशिएट करने के बजाय यू कैन कम अप विद द कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर्मल कॉपरेशन एग्रीमेंट लाइक यू कैन एग्री ऑन एमओयूज ताकि आपके स्पेसिफिक इश्यूज जो है वो एड्रेस हो पाए ठीक है जी तो ये था आपका इंडस वाटर ट्रीटी को लेके आर्टिकल लेट्स टॉक अबाउट द अदर वन विद्या लक्ष्मी स्कीम। हाल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस स्कीम को अप्रूवल दिया है क्या स्कीम है क्या पर्पस है लेट्स टॉक अबाउट दैट जो पढ़ना चाहते हैं जिनके पास जिनको मन है पढ़ने का लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट में दिक्कत आती है तो उनके लिए है ये स्कीम हाल ही यूनियन कैबिनेट अप्रूव दिस विद्या लक्ष्मी स्कीम जहां पर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करी जाएगी टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट ताकि वो हायर एजुकेशन परस्यू कर पाए ठीक है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है पहली बात क्या कहती है ये स्कीम जो बच्चे हु गेट इन टू द टॉप क्वालिटी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज उनको हेल्प करने के लिए इफ अ स्टूडेंट इज एक्सेप्टेड इन टू अ रेटेड कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन इंडिया दे कैन गेट द लोन ताकि वो अपनी ट्यूशन फीस अपने एक्सपेंसिस कवर कर पाए और उन्हें कोई कॉलेट्रल प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है को मतलब कोई ज़मीन देनी पड़े नहीं और अगेरेंटर कोई प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है अब ये स्कीम कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस को अप्लाई होती है तो पहले तो आपको पता चल गया इसका पर्पज क्या है कॉलेट्रल फ्री गारंटर फ्री लोन्स मिलेंगे एंड सिंपल ट्रांसपेरेंट और स्टूडेंट फ्रेंडली सिस्टम है देर इज अ पोर्टल दैट द स्कीम विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू दैट जो कि दैट विल बी इंटायरली डिजिटल ये स्कीम किसको अप्लाई होगी देखो मैं आपको इसको पॉइंट्स फॉर्मेट में देती हूँ चार पॉइंट्स हैं एक दो तीन चार द स्कीम अप्लाइज टू इंस्टीट्यूशंस डेट आर कंसिडर्ड हाई क्वालिटी बेस्ड ऑन एन आई आर एफ रैंकिंग कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर वो टॉप हंड्रेड के अंदर आता है इन दिनरल और स्पेसिफिक कैटेगरी स्टेट इंस्टीट्यूशंस इफ दे आर रैंक बिटवीन वन जीरो वन टू टू हंड्रेड सारे सेंट्रली गवर्नड इंस्टीट्यूशंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट रन कर रही है

तो सरकार कहती है कि मैं आपको क्रेडिट गारंटी देती हूँ सेवेंटी फाइव परसेंट की अगर बच्चे को कोई फाइनेंशियल ट्रबल हो जाती है ताकि बैंक्स के लिए आसान हो जाए लोन देना जिन बच्चों की फैमिली इनकम आठ लाख तक है पर ईयर तो उनको बेनिफिट दिया जाता है इफ दे डोंट ऑलरेडी रिसीव एनी अदर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और इंटरेस्ट हेल्प दे कैन गेट अ थ्री परसेंट इंटरेस्ट सब ऑल्सो फॉर लोन्स अप टू टेन लैख तीन परसेंट का आप ऐसे लगा लीजिए ना इंटरेस्ट में हेल्प मिल गई सरकार दे देगी ड्यूरिंग द मॉरिटोरियम पीरियड ये स्कीम कम से कम भी एक लाख बच्चों को हर साल हेल्प करती है करेगी अ मिनट ठीक है ये स्कीम का बजट कितना है थर्टी सिक्स हंड्रेड करोड़ टाइम फ्रेम क्या है 2024-2025 टू 2030, थर्टी वन ये सारे पॉइंट्स आपके प्रिलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं कहीं से भी सवाल बन सकता है तो प्लीज डू रेफर देम ठीक है व्हाट एल्स द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन विल हैव अ यूनिफाइड पोर्टल पीएम विद्या लक्ष्मी यहाँ पर बच्चे अप्लाई कर सकते हैं अपनी एडुकेशन लोन के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी ठीक है जी सो so, ये इस स्कीम के बारे में था अब ये जो इंटरेस्ट सब्सिडी पेमेंट्स हैं दे विल बी मेड यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक वाउचर्स डिजिटल वॉलेट्स बच्चों के लिए आसान हो जाए बेसिकली ये इसका फंड है क्लियर हो गया मोर और लेस मैंने सारे स्कीम के जो मोटी मोटी बातें थी वो आपके साथ कवर करती हैं अगले आर्टिकल पे चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे रंथम की क्यों? क्योंकि बोला जा रहा है कि कुछ 25 टाइगर मिसिंग है यहां से तो अब हमने टाइगर्स को तो ढूंढना नहीं है विल टॉक अबाउट रंथमबोर टाइगर रिजर्व मैं आपको दिखा देती हूँ ये रहा। ऊपर सवाई माधोपुर, थोड़ा सा ऊपर इधर चले जाओ तो सांभर लेक सरिस्का नेशनल पार्क केलादिओ घना नेशनल पार्क ठीक है ये जो रंथम नेशनल पार्क है ना विंध्याज और अरावलीज यहाँ इनका जंक्शन है अरावलीज और विंध्या रेंजेस पड़ती हैं लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है नॉर्थ इंडिया में एक बार के लिए मतलब ये हंटिंग ग्राउंड रहा है फॉर दी महाराजाज ऑफ जयपुर यहाँ एकदम से सीनरी चेंज हो जाती है क्योंकि पहले जहाँ विंध्याज आ रही थी जेंटल और स्टीप स्लोप्स थी फिर उसके बाद ही यू विल सी अरावली वैली भी है शार्प और क्रॉनिकल हिल्स भी आ जाती हैं चंबल नदी बहती है साउथ से बानस बहती है नॉर्थ से स्टीप रॉकी हिल्स हैं डोमिनेंट आर्किटेक्चर ऑफ रंथम्बोर फोर्ट भी है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट एक एनवायरमेंटल फीचर है जो कि जहां विंध्या प्लेटूज और अरावली रेंज मिलती हैं, ड्राई डेसिडियस और ट्रॉपिकल थॉर्न टाइप वेजिटेशन देखने को मिलेगी धोक ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी फना के अंदर आपको टाइगर लेपर्ड स्लोथ बियर ये सारी स्पीशीज देखने को मिलेंगी लेट्स टॉक अबाउट महासागर थर्ड एडिशन है

मेन गोल क्या है पार्टनरशिप स्ट्रेंथन करना आप इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो टू एनहैन्स द टाइज विद फ्रेंडली फॉरन नेवीज ट्रस्ट बिल्ड करना अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना दूसरा मेरी सिक्योरिटी प्रमोट करना ये सब कुछ यहाँ पे है राइट हाई लेवल वर्चुअल इंटरक्शन है लीडर्स बेस्ट प्रैक्टिस यू विल शेयर तो ये इट विल ब्रिंग टूगेदर लीडर्स ऑन द कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशन बांग्लादेश कॉमरूस केन्या मडागैस्कर मॉलडीव तंजानिया श्रीलंका सेशल मुजाम्बेक मॉरिशियस ये सारे देश आएंगे इंडियन ओशन रीजन लिटोरल्स जो आसपास पड़ती है ये सारी कंट्रीज पार्टिस पार्टिसिपेट करेंगे दिस इनिशिएटिव बिगिन इन 2023 और बहुत सी कंट्रीज ने इसको सपोर्ट दिखाया एक्सेप्टेंस दी तभी हो रही है इसका थर्ड एडिशन हो रहा है इस बार की मीटिंग का थीम ट्रेनिंग कॉपरेशन टू मिटीगेट कॉमन मेरी टाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडियन ओशन रीजन राइट यहां पर लीडर्स अग्री दैट ट्रेनिंग इज एसेंशियल ताकि यू हेल्प ईच अदर कंट्री ईच कंट्री टू बिल्ड दैट स्किल टू बिल्ड दैट नॉलेज ताकि आप सिक्योरिटी चैलेंजेस एट सीज को टैकल कर पाएं साथ में काम करें शेयर दोज रिसोर्सेज शेयर दैट नॉलेज एंड यू डेवलप द स्किल्स एंड दैट कैपेसिटी ठीक है सो दिस वॉज द होल सेशन उम्मीद करती हूं क्लियर हो गया हो एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन विल मीट यू इन अदर वन टिल देन टेक केयर हैप्पी लर्निंग ऑल द बेस्ट थैंक यू एवरी मच